सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दिया था टूल्स के बारे में, कुछ बाकी था तो आज मैं क्लास दूंगा बाकी टूल्स का। अगर कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो थर्ड एपिसोड भी लाऊंगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैं कौन कौन सा टूल कवर किया हूँ तो आई बटन में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बाकी टूल सीखते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में फोटोशॉप का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज किया हूँ, मैं पहले यूज करता था फोटोशॉप CC 17, अब मैं यूज कर रहा हूँ फोटोशॉप CC 19। तो यहाँ पे कुछ फीचर नया है, बाकी सब सेम है। कुछ चीज मैंने जो देखा सामने में वो नया है। तो ये एक ऑप्शन मुझे नया दिख रहा है अभी, तो ये इसे कहते हैं कि इमेज होल्डर। तो ऐसे सिलेक्ट करके इमेज हम लोग जब इंसर्ट करते वो सिलेक्टेड एरिया में जाता था, वो ये वैसे ही काम करता है। सपोज मैं इधर पे ये क्लिक करके यहाँ पे एक प्लेस बना लिया, अब मैं जब इमेज ओपन करूंगा मीन्स ये जो इमेज एक ऑलरेडी है ठीक है, तो ये इसके अंदर ही रहेगा। देखिए मूव जब कर रहा हूँ तो इमेज अलग से उसके अंदर ही मूव हो रहा है, बाहर का जो इमेज पोर्शन था वो गायब हो गया। हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, इसे कॉर्नर पकड़ के इसे रिसाइज कर लिए, लेकिन इमेज उसके अंदर ही है, इमेज बाहर नहीं आएगा उसके। वो एक सर्टेन पोर्शन को सिलेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको इमेज विजिबल होगा, विंडो बना देगा जहाँ से आपका इमेज विजिबल होगा। बाकी पोर्शन जब फ्रेम के बाहर जाएगा, उस सिलेक्टेड एरिया के बाहर जाएगा, तो वो लेयर इनविजिबल हो जाएगा। यह है इसका मेन फीचर, जो एक फ्रेम करते थे उसके अंदर ही आपका इमेज रहेगा। तो इसका काम मैं तभी दिखाऊंगा जब इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा कहाँ पे यूज होता है, तब दिखा दूंगा इसको। ये मैं नया दिखा सामने, तो इसका इंट्रोडक्शन में दे दिया इधर। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट एवर मूव टूल और रेड आई करेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हम लोग को स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये बेसिकली सिर्फ एक स्पॉट को हील करने में या फिर बहुत सारा शॉट कैसे ड्रैग करके हील करने में काम करता है। ये बेसिकली काम कैसे करता है, अगर जिस पोर्शन में मैं क्लिक करूँ वो साइड का जो पिक्सल लेके उस पोजीशन में लाके ब्लेंड कर देता है, तो वो पोजीशन हील हो जाता है। सपोज मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो एक्नीज है, यहाँ पे मैं ऐसे एक क्लिक मारा तो देखिए वो गायब हो गया। ये क्या करता है, साइड से जो ब्लॉक का पिक्सल है, पिक्सल को लेके ये करता है, जो साइड से जो पिक्सल्स हैं उसको लेके वो पोर्शन को हील कर देता है। ये देखिए हो गया, यार मैं ऐसे क्लिक कर दिया, ऐसे ड्रैग कर दिया इधर पे, ऐसे कर दिया तो देखिए हील हो जा रहा है। देखिएगा साइड से पिक्सल्स लेके उस जगह को रिकवर कर देता है। तो ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसका बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल एक्नीस से ही दिया जा सकता है। देखिए कितना फेस पूरा क्लीन हो गया, जो एक्नीस था वो पूरा पूरी रिमूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको जो टीवी का ऐड होता है जो क्रीम लगा के जो एक्नीस हटाने का, वैसे ही टाइप का ही टेक्निक से किया हुआ रहता है, आप लोग का भी पता चल जा रहा है धीरे धीरे सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है हीलिंग ब्रश टूल। पहले हम लोग ओरिजिनल इनिशियल स्टेट में जाते हैं, हो गया। अब है हीलिंग ब्रश टूल, ये क्या करता है, एक पोजीशन से पिक्सल्स देके एक पोजीशन में डाल देता है। तो पहले सपोज हम लोग को ये पोजीशन रिकवर करना है, तो कहाँ से पिक्सल देने से सही रहेगा इस पोजीशन, तो इधर में मुझे ऑल्ट दबाना है तो एक मार्क आ जाएगा टारगेट, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना है। करने के बाद तो वहाँ का मार्क ले लिया, देखिए अब मैं जहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो देखिए वो पोर्शन ही होल्ड करके रखा है। उसके बाद जहाँ पे मैं ये करूँगा मीन्स क्लिक करूँगा, तो उसी एरिया से जहाँ पे मैं टारगेट किया था उसी एरिया से पिक्सल्स लेके वो जगह को बाकी जगह को रिकवर करेगा। तो ये था हीलिंग ब्रश टूल। अब पैच टूल, पैच टूल का दो काम है, इसके अंदर दो आता है, सोर्स और डेस्टिनेशन। हम लोग सोर्स में पहले देखते हैं। सोर्स क्या करता है, मैं जहाँ पे पोर्शन बनाऊंगा, जहाँ पे सिलेक्ट करूंगा उस पोर्शन को, मैं इस पोर्शन को ड्रैग करके कहीं पे भी लेके जाऊँ तो जहाँ पे लेके जाऊंगा वहाँ का पिक्सल वो सोर्स में डाल देगा। तो सपोज हम लोग को ये वाला हटाना है, तो मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे लेके चला गया, देखिए तो यहाँ का जो पोर्शन है वो इधर पे आ गया, पिक्सल ब्लेंड करके बैठा दिया। तो सपोज हम लोग को इसको हटाना है, तो हम लोग इसको खींच के इधर आके अगर रखते हैं तो इस पोर्शन को उधर में लेके चला गया, थोड़ा ब्लेंड कर दिया तो देखिए वो पोर्शन में क्लीन हो गया, वो एक्निस चला गया उधर से। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन।
डेस्टिनेशन क्या करता है, एक पोजीशन को काट के दूसरे पोजीशन में लेके चला जाता है। सपोज मैं ये पोर्शन है, मैं इस पोर्शन को इधर लगाना चाहता हूँ, तो ये मैं इधर में मार्क कर दिया, करिए ये वाला खींच के जब उधर लेके चलूंगा तो ये पोर्शन खींच के उधर चला गया, उधर पे जाके ब्लेंड हो गया तो वहां पे हील हो गया। तो यह है पैच टूल, एक पैच की तरह काम करता है, जहाँ पे आप लोग को एक एरिया सिलेक्ट कर देना पड़ता है, उसके बाद काम करता है वो। उसके बाद कंटेंट अवेयर मूव टूल, ठीक है, ये भी वैसे ही काम करता है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया इसको, मैं जहाँ पे मूव कोड के लेके जाऊंगा उधर में चला जाएगा। यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, ये आपको रिसाइज करने का मौका देगा। यहाँ पे जो था ये भी सेम पैच, ठीक है, ये इसको पहले डिसलेक्ट करते हैं। ये जो था इसमें भी था, नॉर्मली हम लोग सोर्स डेस्टिनेशन कर रहे थे, ये इसमें भी सोर्स डेस्टिनेशन होगा, लेकिन आपका जो इसमें था इसमें आप लोग को रिसाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे इसको आप रिसाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप रिसाइज करने जाएंगे तो देखिए काट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल टी करके अगर रिसाइज करने जाए तो काट के बाहर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा इसके वो पैच टूल में। तो कंटेंट अवार्ड में आपको ये फ्री सोर्स देता है जहाँ पे आप लोग रिसाइज कर सकते हैं। सपोज मैं इस पोजीशन को ढकना चाहता था, मैं ये पोजीशन क्लिक किया, सिलेक्ट किया, तो इसमें जब लेके जा रहा हूँ बाद में पता चल रहा है कि मुझे इस पोर्शन को भी ढकना है, तो वहां पे मैं जो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ओपन सोर्स दे दिया, मैं इसको रिसाइज करके इंटर अगर मार दिया तो देखिए, और कंट्रोल डी मैं रिसाइज कर पाया। थोड़ा पैचेस लग रहे हैं वहाँ पे आप लोग को, उसका स्ट्रक्चर या कलर्स ये सब चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म थोड़ा स्मज भी करना है, तो बहुत सारा पोर्शन है आप लोग को, लेकिन ये काम ऐसे करता है। फिर से ये वाला कर दिया, इसको मैं इधर में लेके चला आया तो देखिए वो इधर आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको रिसाइज करना चाह, बड़ा छोटा जो भी मर्जी, तो ये मैं कर सकता हूँ उधर से। इसके बाद कंट्रोल डी, देखिए ये दूसरा पैचेस लग रहा है। तो जो भी है तो ये ऐसे काम करता है। तो नेक्स्ट है रेड आई करेक्शन। तो रेड आई करेक्शन के लिए हम लोग को रेड आई वाला पिक्चर चाहिए, तो पहले हम लोग एक रेड आई वाला पिक्चर ले लेते हैं। मैं ओपन करके ऑलरेडी लगा हूँ ये रेड आई, तो आपको पता ही है कैसे काम करता है। बेसिकली हम लोग जब फोटो खींचते हैं तो एक फेस का अलाइनमेंट या फिर दूसरे तरफ रहने से तो लेंस में थोड़ा फ्लेयर के कारण आंख में रेड आई आ जाता है। तो रेड आई करेक्शन एक ही स्टेप है कि रेड कलर को आइडेंटिफाई करके उसको हटा देता है। तो रेड आई का जो पोर्शन है मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं जब आंख में क्लिक करूंगा तो देखिए आंख से रेड आई हटा दिया, वो आंख नॉर्मल कर दिया। तो नॉर्मली आंख से हटाएगा, आप जहां पे भी रेड कलर मिलेगा बेसिकली वहां से हटाता है। तो ये ट्यूब साइज है कि कितना बड़ा आंख में कितना पोर्शन रेड आई के अंदर है, डार्कनिंग अमाउंट कितना, ये सब एडजस्टमेंट इधर से कर सकता है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं इधर में क्लिक किया तो देखिए इधर से भी रेड हटा देता है। ये बेसिकली वैसे ही काम करता है, देखिए बेसिकली ये रेड को आइडेंटिफाई करके देखते हैं ये कहाँ पे रेड है, रेडिश पिक्सल्स को हटा देता है इसके फेस से। तो ये हो गया हम लोग का हीलिंग ब्रश और करेक्शन ब्रश के अंदर पोर्शन हो गया। अब चलते हैं नॉर्मल ब्रश टूल। तो फर्स्ट जो है ब्रश टूल, तो ब्रश का तो साइज छोटा बड़ा कैसे करना है आपको तो पता ही है। थर्ड ब्रैकेट ओपन और सेकंड ब्रैकेट ओपन, इससे छोटा होता है, थर्ड ब्रैकेट क्लोज और सेकंड ब्रैकेट क्लोज से बड़ा होता है। और हार्डनेस और सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल, शिफ्ट प्लस थर्ड ब्रैकेट ओपन और सेकंड ब्रैकेट ओपन से हार्डनेस कम होता है, स्मूथ होगा ब्रश। शिफ्ट प्लस थर्ड ब्रैकेट क्लोज और सेकंड ब्रैकेट क्लोज से हार्ड होता है। यह डिफरेंस साइज नॉर्मल ब्रश टूल में। बाकी आते हैं यहाँ पे ओपेसिटी, जहाँ से ओपेसिटी कमा सकते हैं कितना हार्ड और कितना लाइट ये कलर अपना फ्लो होगा, जिस ओपेसिटी कितना रहेगा फ्लो में आप कलर कमा सकते हैं स्मूथनेस है। तो ये बेसिक से है ऊपर में, और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो नेक्स्ट है हम लोग का पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल सिंपल है, जैसे हम लोग का पेंसिल काम करते, इसका कुछ ज़्यादा ही साइज बड़ा किया हुआ है पेंसिल का, तो इसका थोड़े से छोटा होगा जैसे नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं उससे ही नॉर्मल। लेकिन पेंसिल का हार्डनेस और शॉर्पनेस जो है वो कमा नहीं सकते इसमें, आपने हार्डनेस भी जैसा होगा अगर आप हार्डनेस कमा भी दिए तो सेम ही आएगा। पेंसिल का वो शॉर्पनेस, वो जो स्मूथ फेडेड जो आउटसाइड आता है वो कभी नहीं आएगा पेंसिल में। उसके बाद आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा दूसरे इमेज पे। तो कलर रिप्लेसमेंट टूल पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी नया डाला गया। पहले हम लोग को मास्किंग करके हटाना पड़ता था, अब ये इजी कर दिया। यहाँ पे आप लोग जो कलर को चूज करें, सपोज मैं ब्लू लिया, ठीक है, तो ये जो कलर मैं चूज किया, मैं ये
ब्रश जहाँ पे मूव करूंगा तो ये कलर रिप्लेस होके वहाँ पे आ जाएगा। सही, ये एक ग्रीन है, मैं जहाँ पे ये ग्रीन है मैं इधर में जब फ्लो कराऊंगा देखिए उस पोर्शन में ग्रीन कर देगा। अगर आप नॉर्मल पेंट से करते तो होता है, लेकिन उसमें आपको ब्लेंड भी करना पड़ता, लेकिन जब ब्लेंड नहीं होगा कलर ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दिया। देखिए ये ऐसे कलर रिप्लेस कर देता है इस जगह का, तो कलर रिप्लेसमेंट टूल है। जो कलर रहेगा ऊपर में आप ग्रीन ले ले, येलो ले ले, जो भी मर्जी, तो सेम होगा, जो काम ही रहेगा वो बेसिक कलर को रिप्लेस करके अपना कलर डाल देगा। नेक्स्ट है मिक्सर ब्रश टूल। ये बेसिकली स्मज टूल की तरह है, ये कलर को मिक्स करता है। देखिए ये जो दो पोर्शन है, यहाँ पे दो कलर को ऊपर से खींचे नीचे आना, नीचे से ऊपर, ये स्मज करके ये दो कलर को मिक्स करने के लिए होता है। ये बेसिकली जब हम लोग डिजिटल पेंटिंग करते हैं तब ये काम में आता है स्मज करने के लिए, क्योंकि स्मज और ब्लड टूल थोड़ा रैम कंज्यूम करता है, जब करेंगे सिस्टम स्लो कर देता है, तो ये टूल काफी अच्छा किया है तो इजीली स्मज कर देगा दो सिचुएशन, इसको दो कलर को एक साथ। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल में, तो फिर से एक्नी वाला फेस में चले जाते हैं क्योंकि ये फिर से इधर में ही काम आने वाला है। ये क्लोन स्टैम्प जो टूल है वो सेम टू सेम हम लोग जैसे हील ब्रश किए थे वैसा ही है। ये देखिए नहीं है कि एक टारगेट पोजिशन चूज कर देना है, सपोज हम लोग को ये हटाना है, यहाँ पे ऑल्ट दबा के एक टारगेट आ जाएगा, उसके बाद लेफ्ट क्लिक, उसके बाद वो मार्क कर लेगा कि इस पोजिशन से पिक्सल को उठाना। तो मैं इधर में जब ब्रश करूँगा देखिए तो उसी एरिया से पिक्सल्स लेके रिपेयर करेगा। यह है क्लोन स्टैम्प टूल का। अगर आप ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो ये पोर्शन इधर में भी डाल देगा, ये ज़्यादा दूर चला, देखिए अब मैं इधर में चला आया तो ये लिपस्टिक वाला पोर्शन भी इधर में डाल देगा, लिप्स वाला पोर्शन इधर में लिप्स बनाना शुरू कर देगा। तो नेक्स्ट है पैटर्न टूल। नेक्स्ट है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये बेसिकली पैटर्न क्रिएट करता है और कुछ काम नहीं। सपोज हम लोग इधर में है, तो इधर में अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो देखिए इमेज को हटा के उधर ने पैटर्न बनाए। या बेसिकली लेयर में भी कर सकते हैं कि एक जो इमेज है आपके पीछे एक पैटर्न वाला लेयर ले लीजिए, उसके बाद ऊपर वाला लेयर को मिटा दीजिए उसमें, क्योंकि ये अगर परमानेंट हो गया तो ये अंडू नहीं होगा। अगर लेयर में आप काम करें तो पीएचडी फाइल में रहेगा, तो आप बाद में उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न दिया हुआ है डिफॉल्ट, आप एडिशनल भी डाल सकते हैं। ये पैटर्न टूल, ये सिर्फ मैं इसको हटा के पैटर्न बना देगा। नेक्स्ट आ गया हिस्ट्री टूल। ये हिस्ट्री टूल, हिस्ट्री टूल क्या करता है, इनिशियल स्टेट में लेके चला। सपोज मैं इधर में चला, तो हम लोग इधर में जो चेंजेस किए थे वो एक बार में वो फाइनल जो हम लोग का इनिशियल स्टेट में था स्टार्टिंग में, वहां पे लेकर चला जाता है। कोई अंडू का जरूरत नहीं, एकदम इनिशियल स्टेट, जो भी लेयर आपने यूज किया है क्या किया है पता नहीं, ये पूरा एकदम इनिशियल स्टेट में लेकर चला, अपना हिस्ट्री में लेकर चला जाएगा आपको। और आज हिस्ट्री ब्रश टूल ये कुछ काम का नहीं है, ये डिजिटल पेंटिंग स्मज के लिए काम आता है। ये सिर्फ देखिए आप सिर्फ क्लिक कीजिए और इमेज का 12 बजाइए, ये पूरा स्प्रेड कर देता है इमेज में, जो पिक्सल्स है इधर से उधर तक स्प्रेड करके एक पैटर्न बना देता है। इसका भी ओपेसिटी, नॉर्मल मोड, ब्लेंड मोड बहुत कुछ है ऊपर में। ये देखिए हो गया इमेज का सत्यानाश, ये इमेज को सिर्फ स्मज करने के काम आता है पूरा पूरा। तो ये हो गया हिस्ट्री ब्रश टूल। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इरेजर टूल। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो भी इमेज क्रिएट होता है वो एक व्हाइट प्लेन के ऊपर क्रिएट होता है, तो ये नॉर्मल जो इरेजर टूल है वो क्या, मैं अगर मैं इरेज किया तो वो बैकग्राउंड का जो व्हाइट पोर्शन उसको निकाल के बाहर ला देगा, ठीक है, ये है नॉर्मल। और उसके बाद जो इरेजर है, इरेजर नेक्स्ट जो है बैकग्राउंड इरेजर टूल, इससे आप लोग को पूरा बैकग्राउंड लेकर चला जाएगा, बैकग्राउंड जो पैटर्न वाला बैकग्राउंड रहता है लेयर के पीछे उस पोजिशन में आपको लेकर चला, देखिए एकदम पीछे पूरा एकदम इमेज को क्लीन कर दे रहा है, डिलीट टाइप का हो जाता है वो सिलेक्टेड एरिया से। उसके बाद चलते हैं हम लोग मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल जो काम करता है वो एक पिक्सल के ऊपर काम करता है, अगर सेम पिक्सल जहाँ पे मिलेगा तो उसको हटा देगा, उसका टॉलरेंस आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इधर से, यहाँ पे बड़ा वो है मैं कमा देता हूँ। तो क्या करता है, सपोज मैं ये जो काला पोर्शन है इसे मैं क्लिक करूँ, ये काला पोर्शन को पूरा हटा देगा, तो सर्टेन सिलेक्शन पोर्शन में काम करता है। तो देखिए मैं इधर में जब किया तो ये काला पोर्शन को हटाया, लेकिन इधर में जो फेड ऑप्शन है उसको नहीं हटा, तो मैं थोड़ा अगर टॉलरेंस को बढ़ा दिया, रिटर्न रहते हैं
पूरा टॉलरेंस बढ़ा दिया, तो जाऊंगा तो देखिए धीरे धीरे और भी फेड एरिया को भी वो डिलीट करना शुरू कर देगा। देखिए फेड एरिया भी धीरे धीरे डिलीट हो रहा है, तो ये ऐसे काम करता है। और अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है तो डायरेक्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करो तो पूरा बैकग्राउंड को ही गायब कर दे, पूरा एकदम क्लीन कर दे, क्योंकि सिंपल पिक्सल सिंपल कलर जहाँ पे मिलेगा एकदम सिंगल सबको हटा देगा ये। नेक्स्ट जो टूल हम लोग देखेंगे वो है पेंट बकेट। तो हम लोग फिर से इसको नॉर्मल करके इसको हटा ही देते हैं, नया लेते हैं इमेज। तो चलते हैं हम लोग फाइल में, एक नया लेयर क्लीनर ले लेते हैं, यहाँ पे काम होगा। तो ये जो फर्स्ट बकेट है वो सिंपल ये सिलेक्टेड है पहले से, उसको दिखाते हैं। तो सिंपल हम लोग जो कलर है उसको अगर क्लिक किए तो पूरा बॉडी ले लेता है, या फिर एक सिलेक्टेड एरिया में अगर डालना चाहे तो ये सिलेक्टेड एरिया कर लिए, अगर उसके अंदर में हम लोग डालना चाहे तो ये सिलेक्टेड एरिया के अंदर तो उधर में ले लेता है। ठीक है, तो ये रहा बकेट टूल का काम। उसके बाद आ गया ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल काम करता है एक स्लाइड जो कलर ग्रेडियंट है फ्लेयर फेड इफेक्ट का वो लाता है। तो हम लोग इस कॉर्नर से एक लाइन अगर जैसे खींच दें तो देखिए ये कलर ऑप्शन यहाँ पे ये कलर येलो से व्हाइट में आ रहा है, तो ये ग्रेडियंट क्रिएट करता है। बहुत सारा टाइप का ग्रेडियंट है इधर पर, ये रेडियल ग्रेडियंट है गोल्ड टाइप का क्रिएट करता है, ये कॉनिकल ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट लाइन में लाएगा, और ये क्या स्टार ग्रेडियंट स्टार टाइप का क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ग्रेडियंट आप चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारा क्रिएट है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे इसको डबल क्लिक करके आप ग्रेडियंट का टूल बॉक्स खुलेगा, तो टूल बॉक्स में यहाँ पे आप लोग ये हटा के अपना कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कलर डालना चाहिए तो हमें पिन कीजिए, यहाँ पे जाइए रेड ले लीजिए, इधर में जाके पिन किए के ग्रीन ले लीजिए। तो देखिए ये आपका ग्रेडियंट रेडी हो गया, ओके कीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए आपने जो ग्रेडियंट क्रिएट किया था वही आ गया। ये है ग्रेडियंट टूल। नेक्स्ट है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। ये इधर में काम नहीं करेगा, अगर हम लोग 3D ऑब्जेक्ट लिए काम करते हैं माया में, जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे UV बनाना पड़ता है, तो उसमें ये काम आता है। ये है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, यहाँ पे ये इनएक्टिव दिया है क्योंकि इसका ये 2D प्लेन है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं सब कुछ फोटोशॉप के बारे में। और प्रीमियर प्रो का क्लास भी आता है सुबह को, आप वहाँ पे लास्ट में थंबनेल में क्लिक करके आप वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, इसमें मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं बाकी टूल्स कवर कर दूंगा, साथ में लेयर भी ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक रिव्यू अपग्रेड योर क्रिएटिविटी।